हेलो, गुड मॉर्निंग मेरी जूटू फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे, क्योंकि गुड मॉर्निंग मैं इसलिए बोलती हूँ कि मॉर्निंग टाइम काम करके जल्दी से तो मैं वीडियो ये देखो कैसे रहा प्रयास, दिल लग गया उधर के? नहीं कुछ खास तो नहीं, लेकिन लग गया। लग गया, मम्मा के पास रहना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन लगा तो नहीं, लेकिन उतना खास नहीं लगा। वो अब तो मेरा बैग छूट हुआ ही नहीं, यहाँ मम्मा के पास है वो। हाँ, मोबाइल भी छूट गया है ना, लेकिन तो मम्मा के अब पास है लेकिन मोबाइल। अभी एक चीज का बचा है, चीज नहीं ना, मेरे से लड़ेगी। अभी प्लीज। ट्यूशन का टाइम भी होने वाला है, अभी साढ़े तीन हो गए, 3 बज गए हैं, 1 घंटा और बाकी है प्रयास का, फिर जाएगा ट्यूशन। अभी आया, अभी देती हूँ कुछ खाने पीने के लिए। क्या खाएगा? ना मैगी नहीं लेनी, चाय चाय पियेंगे, चाय। नहीं आती, अभी मैं छोड़ने जा रही हूँ उसको ट्यूशन का, ट्यूशन का टाइम हो गया। ये देखो बैग मैंने उठाया, मैं जा रही हूँ ट्यूशन के, प्रियांश जा रहा है ट्यूशन, ये देखो खाली हाथ जा रहा है, और मैंने उठाया हुआ देखो इसका बैग है। अच्छा, हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, तो मैं बता रही थी आपको भाई, देखो प्रियांश आया शाम को, ट्यूशन से भी आ गया और खाना खा रहा है, खाना तक जाए। चलो भाई, अब भाई कल का से, अब कल आऊंगा बाप, कल आ जाना, ठीक है? चल महाकुड़ी। तो शाम को प्रयास चला जाता है, तो चलो मॉर्निंग टाइम में हो, मॉर्निंग हो, मॉर्निंग टाइम हो गया है, तो मैंने हो गया है और मैं बनाने लगी हूँ सब्जी। आज भिंडी बना रही हूँ, भिंडी की सब्जी, काफ़ी दिन हो गए भिंडी बनाई नहीं थी, तो उधर से नन्नू ने काम पे जाना है, तो मैं सुबह मॉर्निंग टाइम उठ के तो भिंडी का साफ धोई, धो के साफ करी, उसके बाद उसको सुखा लिया था पहले मैं थोड़ी देर, तो इतने में मैं दूसरा काम करने लगती थी, चाय चूय बनाने लगती थी, भिंडी धो के रख दी थी मैंने, तो नन्नू को उठाया, नन्नू भी उठ गया है, नन्नू को मैंने आवाज़ लगाई थी कि नन्नू उठ जा, काम पे जाना है, काम पर जाना है, तो पहले वो देर से उठता था थोड़ा सा, जब से काम पे जाने लग गया तो वो जल्दी उठ गया, उठने लग गया है अब तो। मेरी भिंडी काटते काटते ही नन्नू उठ गया था, नहाने लगा, बुरश पर्श करने लगा, तो इतने में मेरी भिंडी कट गई थी, मैं भिंडी काट काट के रख रही थी, तो सब्जी तड़का लगाना था, सूखी सब्जी ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है, काटने में भी बनाने में भी टाइम लगता है, जो तरी वाली सब्जी है तो जल्दी बन जाती है, और आज है शनिवार, शनिवार को मैंने जल्दी जल्दी काम करना है, तो मंदिर की पूजा भी करनी है मंदिर में, तो आज मैंने आंटी को भी बुलाया था फ़ोन करके, आंटी मंदिर आना, आज आप थोड़ा सा बैठेंगे मंदिर में तो देखेंगे, थोड़ा सफाई सफूई भी करेंगे, तो उधर से मैंने कंचन को भी फ़ोन कराया, कंचन पूरी रात नहीं सोई, मेरे को सवेरे सवेरे फ़ोन आया था भाई, मैं डर गई, मेरे को ना ऐसी चीज़ कोई खींच रही थी रात को, तो मैंने उसको मंदिर में बुलाया भी, तू आ मंदिर में देखते हैं आज क्या चीज़ है तेरे, क्या चीज़ है। वैसे तो वैसे तो वो ठीक रहने लगी थी, जब से प्रयास उसके पास गया था ना तब से वो ठीक रहने लगी थी, ठीक रहती थी, सुस्ती भी उतर गई थी, जो पैरों में दर्द, आँखों में दर्द, वो सब ठीक हो गया था, क्या पता बच्चे की तड़फना होती थी उसको, बच्चे की वजह से ही होता था, तो बोल के गया है कि सैटरडे को तो मैं, संडे को तो छुट्टी होगी, सैटरडे को शाम को मैं इधर ही रहूँगा मम्मी आपके पास है। मैंने उसको हाँ तो बोल दिया कि ठीक है तू आज इधर रहना, कल तो छुट्टी है, तो सैटरडे को इधर ही आ जाना, तो इधर ही रहेगा ट्यूशन से, नहीं तो ट्यूशन पढ़ के वो चला जाता है अपनी मम्मी के पास, तो उधर गर्मी बहुत है, क्या करें, तो बोल के गया मम्मी, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आती उधर, मैं कहा चल कोई बात नहीं, आज संडे या सवेरे जल लेट उठना तो तू इधर ही सो जाना एसी के नीचे, कहता ठीक है। उधर से मैं सब्जी बना रही, मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, और नन्नू भी नहा लिया है, नहा के रेडी हो गया है, सब्जी भी मेरी बन के बढ़ने वाली है, बस मैंने एक साइड पे सब्जी रख दी थी, आटा गूँधने लग गई थी बर्तन मांजते ही, आटा गूँधा, और ऐसे मैं घर का काम दिखाती रहती हूँ, ऐसे मत बोला करो कि आंटी जी, ऐसे मत बोलना कि आंटी जी घर का काम ही करते रहते हो, जहाँ बाहर जाती हूँ तो बाहर की वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, घर करती हूँ तो घर का काम शूट कर लेती हूँ, तो दिल नहीं लगता था, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जाने दो प्रयास तो अपनी मम्मी के पास, दिल तो लग जाएगा। कल मैंने नीलम को भी फ़ोन करा था, तो वो कहती मम्मी, मैंने बोला उसको भाई रखड़ियों को आ जाना, तेरा सिंधारा भी रखड़ियों को ही देऊंगी मैं, ऐसे जाया नहीं जाता, काफ़ी दूर है, नन्नू भी अभी काम पे लग गया है, तो सिंधारा लेके नहीं जाया जाएगा, तो रखड़ियों को आएगी तो मैं साथ में ही दे दूँगी तेरे को, तो
उधर से मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी होगी। मैं कढ़ाई में तेल डाल दिया, सरसों का तेल ही बरतती हूँ मैं। तो भिंडी पहले डालती हूँ मैं, जब तेल पक जाएगा तो प्याज, भिंडी में मैंने हरी मिर्च काट ली थी और प्याज मैंने बाद में काटूँगी मैं प्याज। तो पहले भिंडी को पकाती हूँ मैं, थोड़ा सा थोड़ी सी हो जाती है नरम तो मैं प्याज डाल देती हूँ। अगर पहले प्याज डालूँगी तो भिंडी ना जल जाती है, प्याज जल जाता भिंडी में। तो अब भिंडी थोड़ा सा ब्राउन करूँगी तो फिर मैं प्याज डालूँगी तो अच्छी बन जाती है सब्ज़ी इससे। तो एक प्याज ही बहुत था, बड़ा सारा प्याज था। मैं क्या, आधा किलो भिंडी थी, आधा किलो में एक प्याज ही बहुत है, हमारी दोनों की सब्ज़ी हो जाएगी, इतना ही बहुत है हमारे लिए, तो दोनों के लिए। प्रियांश तो भिंडी खाता नहीं है, वो तो तरी वाली सब्ज़ी मांगता है। वैसे तो वो स्कूल लेके जाएगा रोटी ले, कंचन उसको रोटी दे के भेजेगी तो स्कूल खा के आता, तो चाय चूँ पिला देती हूँ मैं शाम को। वैसे मैगी मांगता तो मैगी तो मैं देती नहीं हूँ। भिंडी ना दो तीन दिन हो गए थे, मैंने ले आके फ्रिज में रख ली थी, बनाई नहीं थी। थोड़ी सी ना फिर भिंडी ना हर ख़राब होने लगी थी, छोटी छोटी भिंडी, तो वो मैंने निकाल दी थी और जो अच्छी अच्छी भिंडी थी वो मैंने काट ली थी धो के। तीन पा के करीब ले के आई थी तो आधा किलो बच गई थी, बाकी तो ख़राब निकल गई थी। मैंने तो प्याज भी डाल दिए, मैंने पहले मैंने भिंडी भून ली फिर मैंने प्याज डाल दिए। इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ देती हूँ, टमाटर नहीं डालती मैं, जो इसकी राल सी होती है ना भिंडी की वो ख़त्म हो जाती है। तो अच्छे से मेरी भिंडी भून रही हूँ मैं, जब तक प्याज नहीं मेरे भुनेंगे भिंडी नहीं भुनेंगे। मैं ऐसे ही थोड़ा सा ढक देती हूँ, नरम हो जाएगी भिंडी। इतने में साथ ही साथ मैं आटा गूंद लेती हूँ, आटा छान के भिंडी होते नरम थोड़ी सी हो जाएगी, पक जाएगी तो मैं आटा भी गूंद लूँगी साथ के साथ। नमक मिर्च मैं सब बाद में डालती हूँ, जब पक जाती है ना भिंडी उसके बाद मैं नमक मिर्च डाल देती हूँ, इसकी जो राल सी है सब ख़त्म हो जाती है पकने से। तो देख लेती हूँ मैं भी इसकी राल ख़त्म होगी पक गई भिंडी तो फिर मैं बाद में नमक मिर्च डालती हूँ। इतने में मैं आटा गूंद रही हूँ, आटा साथ के साथ जल्दी होती है सवेरे मॉर्निंग टाइम, क्योंकि तो शनिवार का दिन है, कोई ना कोई मंदिर में आ जाता है तो पूजा करनी जल्दी करनी होती है, इस वजह से ना मैं। अब मेरी भिंडी पक गई है, देखो मैंने नमक मिर्च डाल दिया। उधर से नन्नू भी जल्दी कर रहा, कहता मम्मी जल्दी चाय बना के दे, दो बार चाय पी के जाता है फिर काम करता है, जाके काम पे जाता है। जब तक वो चाय ना पी ले दो बार तो जाता नहीं है। तो आज मैं ऊपर गई थी परोला परोली करने के लिए तो उसके डैडी का आधार कार्ड मिला मुझे, सब्ज़ी मेरी बन गई है। और आपको पता है शनिवार है, आज शनिवार को सब लोग अरदास लगाते हैं जय माता की बोल के, तो मैं लगी हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। नहा ली मैं, मेरा काम भी हो गया, नन्नू को भी काम पे भेज दिया खाना बना के, और चलते हैं। तो मंदिर में बने रहिए मेरे साथ में, जिस जिसने अरदास लगानी है वो अरदास लगा लेना अपनी, सबकी माता रानी मनोकामना पूरी करेगी। अभी मैं जगाने लगी हूँ जोत, तो आप भी जोत के दर्शन कर लेना। जो भी मेरे को मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं, मैसेज तो चलो ठीक है फ़ोन करते हैं, वो आप इस पे ही जब मैं जोत जलाती हूँ ना तभी अरदास लगा दिया करो, और जय माता दी दिल में अरदास लगा के और जय माता की लिख दिया करो, वो अरदास आपकी मंजूर होती है। जब शाम को मैं देखती हूँ ना, दोपहर को कमेंट देखती हूँ, तो माता रानी के आगे मैं फ़ोन रख देती हूँ सब कमेंट खोल के, कि माता जी जिस जिसने हाजिरी लगाई है उसकी हाजिरी कबूल करो, और जो भी अरदास मन में सोचते हैं बच्चे जो भी बड़े सबकी अरदास पूरी करना माता रानी, सबकी अरदास मंजूर करना और सबके काम बनाए रखना। सबके जो बच्चे काम के लिए करते हैं या दुख तकलीफ के लिए करते हैं, जो बहनें अपने बच्चों के लिए करती है, शादी नहीं हो रही जिसका बच्चा बीमार है सब ठीक हो जाएगा, शादी हो जाएगी, जिसकी नहीं हुई वो उनकी शादी हो जाएगी, माता रानी एक ना एक दिन ज़रूर सुनती है। जब अरदास लगाते रहा करो और अरदास में माता रानी ज़रूर सुनेगी आपकी। गद्दी मैंने लगा दी है, माता रानी की जोत भी जला दी है। अब ये लो माता रानी की जोत जल गई है, आप भी दर्शन करो। जो भी माता रानी से मांगोगे वही मिलेगा, ठीक है। अरदास लगा दिया करो शनिवार मंगलवार।